तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सागर है, मैं बठिंडा से आया हूँ। पिछले 2 साल से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, टेली परफॉर्मेंस में जॉब करता हूँ। सो लिखने का मुझे शौक है, पहली बार अपने शब्द ऐसे पब्लिकली सुना रहा हूँ, पहले लिख के डायरी में संभाल लेता था। मेरी पोएट्री का शीर्षक है एक बात, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बतानी है ऐसी जो कोई बता ना सके, तुझे आगोश में समेट लूं इतनी जोर से कि कोई चुरा ना सके। तुझे देखना है इस नजर से कि तू गुमान ना करे, मत चुरा नजर इस अदा से कि फिर कभी मिला ना सके। तू कली बन उस गुलिस्तान की जहां भवरा सिर्फ एक हो, मैं भवरा बनूं उस गुलिस्तान का जो मुझे खींचे वो तेरी महक हो। कुछ इस कदर हो हमारी मोहब्बत के लाख हो दूर हो जाने पे भी कम ना हो, तुम खुश हो अगर मुझसे दूर रहकर तो तुझे ना देख पाने का भी गम ना हो। बहुत सोच समझकर खुदा ने हमारी शख्सियत को बनाया है, एक को जख्म दूसरे को मरहम बनाया है। तू दूर हो एक पल तो ये दिल ना लगे, एक बात बतानी है ऐसी जो कोई बता ना सके, तुझे आगोश में समेट लूं इतनी जोर से कि कोई चुरा ना सके। तू ऐसी हमसफर बन मेरी कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी खत्म ना हो, जिसके होने से जिंदगी रंगीन है वो शख्स तुम हो, जो आईने में देखता हूँ वो अक्स तुम हो। इतना सोचता हूँ तेरे बारे में हर घड़ी, जैसे ये गुजरता हुआ वक्त तुम हो। भड़कते हुए अंगारों पे अपनी रूह को जला के मैं धुआं बन गया, मेरी जान मैं शायर यूं ही नहीं बन गया। तुझे खुदा ने इस सादगी से नमाजा है कि तुझे पाने के जुनून ने मेरी सोच तक को तराशा है। आजकल ख्याल कोई तेरे बिना नहीं आता, आजकल प्यार तुम पे इतना आ रहा है कि छुपाया नहीं जाता। यूं घुलमिल सी गई है जिंदगी अब तुझसे कि चाहकर भी तेरे बिना अब रहा नहीं जाता। तुम पास ना हो और इस दिल को तसल्ली मिल जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाता, और तुम सामने आ जाओ तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता। यकीन इतना हो चुका है तुम पे कि अब आंख बंद करके तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। जितना इश्क है मुझे तुमसे, काश उतना तुम्हें भी हो जाए, बस उस दिन के लिए तरसता हूँ। ये थे कुछ अल्फाज जो मेरे दिल से निकले हैं तेरे लिए, इससे भी परे हैं कुछ जज्बात जो शायद कभी लिखे भी ना जा सकें। सुनो, एक बात बतानी है ऐसी जो कोई बता ना सके, तुझे आगोश में समेट लूं इतनी जोर से कि कोई चुरा ना सके। थैंक यू एवरीवन।